हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं, हमारा एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, हम समझते हैं सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस यदि नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, डिफरेंस। टॉपिक का नाम क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब दो पोटेंशियल के बीच में यदि डिफरेंस होगा देन इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। यदि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा इट मीन्स वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस उन पॉइंटों के बीच में नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस की यदि हम बात करें तो एक तो हाई होता है पोटेंशियल डिफरेंस और एक लो होता है। और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कहाँ जाता है, कोई भी चीज जब पास होती है तो हाई पोटेंशियल से जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, पास होता है। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पास होता है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है मतलब दोनों जगह सेम पोटेंशियल है तो चार्ज पास नहीं होगा। क्लियर हो गया आपको, चार्ज पास होने के लिए क्या कंपलसरी है, एक तरफ पोटेंशियल हाई और लो होना चाहिए, मतलब उनमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर हो गया आपको, क्या होना चाहिए, चार्ज पास होने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस होना कंपलसरी है। यदि नहीं डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज पास नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए दो पॉइंट है, एक पे पोटेंशियल वी ए है, दूसरे पे पोटेंशियल वी बी है। क्लियर हो गया। अब मैं क्या चाहता हूं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पोटेंशियल चार्ज को लेके जाना चाहता हूं। तो जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाऊंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वो जो वर्क होगा किस पे होगा, यूनिट चार्ज पे। किस पे होगा, यूनिट चार्ज पे, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मतलब समझे आप, क्या है कि पोटेंशियल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ेगा, चार्ज क्या है, यूनिट चार्ज को लेके जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या है, क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। मैं डेफिनेशन बोल दूं, वर्क डन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक यदि मैं चार्ज को लेके जाना चाहता हूं उसके लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और यदि ये पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है मतलब दोनों का सेम पोटेंशियल है देन वर्क नहीं होगा और चार्ज पास नहीं होगा। क्लियर हो गया आपको, मींस पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मुझे क्यू चार्ज, क्यू चार्ज का मतलब यहाँ पे यूनिट चार्ज है, क्या है, यूनिट चार्ज को लेके जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क की जो यूनिट है वो क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, है ना। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी, वैसे तो आप लिख सकते हो जूल अपॉन में कूलाम, और इसकी यूनिट वैसे होती है वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट होती है। देखिए अब आगे बात करते हैं हम पोटेंशियल की, किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की। पोटेंशियल किसे कहते हैं, मान लीजिए ये हमारा जो पॉइंट था ये हमारा इन्फिनिटिव था, बी क्या है, ये हमारा किसके इक्वल है, इन्फिनिटिव के, और इन्फिनिटिव पे जो पोटेंशियल था वो जीरो था, तो वी इक्वल क्या हो गया, डब्ल्यू अपॉन में क्यू हो गया, क्यू यहाँ पे वन है, अगर मैं क्यू यहाँ पे वन कूलाम लिख दूं तो वी इक्वल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। मीन्स समझे आप, डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी भी एक पॉइंट पे इन्फिनिटिव से, मतलब किसी भी एक पॉइंट पे, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहां की मैं बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पे इन्फिनिटिव से किसी यूनिट चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा,
इन्फिनिटिव से यूनिट चार्ज को एक पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो उसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर हो गया। इन्फिनिटिव से मतलब हम इन्फिनिटिव से क्यू चार्ज को ला रहे हैं कहां पे, एक पॉइंट पे, तो उसे लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही जहां पे हमने करंट पास करवाना है वहां पे एक पॉइंट से सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, पोटेंशियल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लेके जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इसे आप याद करोगे। मतलब हम इन्फिनिटिव से क्यू चार्ज को ला रहे हैं तो जो वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल, और एक पोटेंशियल के दो पॉइंट हैं उनके बीच में, यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में यदि हम क्यू चार्ज को लेके जा रहे हैं तो वो जो वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। क्लियर हो गया। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, कैसे मेजर होता है वोल्ट मीटर से। मान लीजिए ये एक रेसिस्टेंस है, अभी हम आगे बात करेंगे रेसिस्टेंस किसे कहते हैं। इसके यहाँ हमने ना दोनों पॉइंटों पे वी लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया इस प्रकार। अब ये जो वोल्ट मीटर है वो इस रेजिस्टेंस के आर के इस तरफ क्या पोटेंशियल है और इस तरफ क्या पोटेंशियल है, उन दोनों को क्या करेगा, मेजर करेगा। इसको हम हमेशा यूज करते हैं पैरेलल। किसके पैरेलल यूज करते हैं, रेसिस्टेंस के, जिसका हम जिन दो पॉइंटों का हमने क्या मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। क्लियर हो गया। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर मैं आपको इसके कुछ सिंबल्स बताऊंगा, देन उसके बाद वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल ये है कि हाउ मच वर्क डन हमें वर्क कैलकुलेट करना है टू ट्रांसफर ए चार्ज 3 कूलम। तो Q कितना आ गया, 3 कूलम आ गया, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। क्लियर हो गया आपको। मतलब Q चार्ज है जो कितने कूलम है, 3 कूलम है, 3 कूलम Q चार्ज को वन पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक मूव करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस उसने दे ही दिया, क्या है 10 दे दिया, तो V इक्वल हमने क्या पढ़ा था, W अपॉन में Q। तो W की वैल्यू कितनी है पता ही नहीं हमें, वो हमें फाइंड आउट करना है, तो V इंटू Q हो गया। देन V की वैल्यू कितनी होगी, V कितना है हमारा 10 और Q कितना है 3, देन वर्क कितना आ गया 30 जूल। क्लियर हो गया। उसने हमसे वर्क पूछा था, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, इतना क्यू चार्ज है, इसको एक पॉइंट से, मतलब उसने पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे ही दिया, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, तो उन दोनों का डिफरेंस उसने 10 वोल्ट दे दिया और हमसे वर्क पूछा है, तो V इक्वल क्या आता है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू, और क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डब्ल्यू इक्वल V इंटू क्यू हो गया, 10 × 3 30 जूल आंसर आ गया। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करेंगे, और इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने से पहले हमें कुछ सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें पता होने चाहिए। सिंबल्स के द्वारा हमें सर्किट बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। सबसे पहले हम बात करें बैटरी की, बैटरी का सिंबल देखिए आप, अगर आप इसको एक लाइन लगाते हो मीन्स आप ऐसे लगाते हो, इट मीन्स ये सेल है। क्लियर हो गया। एक प्लस का और एक माइनस का है, अभी एक सेट हो गया, ये सेल है और इससे ज्यादा हो जाए तो हम बैटरी का नाम देते हैं। की बात करें, की को हम स्विच के नाम से जानते हैं। देखिए इस प्रकार ये स्विच ऑफ है और इस प्रकार स्विच ऑन है। क्लियर हो गया। अगर पॉइंट लगा हुआ बीच में देन स्विच ऑन, अगर पॉइंट नहीं है तो स्विच ऑफ। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बात करते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट बोलते हैं या इलेक्ट्रिक करंट कंट्रोलर भी बोलते हैं या इसे हम वेरिएबल रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। इसका जो सिंबल है वो इस प्रकार है, देखिए, या एक सिंबल और है इसका इस प्रकार। इसका क्या फंक्शन होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब वोल्ट मीटर की बात करते हैं। वोल्ट मीटर सिंपल, देखिए
वोल्ट मीटर को इस प्रकार लिखते हैं, वी लगाया, उसके चारों तरफ सर्किल लगाया, देखिए इस प्रकार, ये प्लस और माइनस, और ए मीटर को इस प्रकार, क्लियर। देन इलेक्ट्रिक बल्ब, पहले हम बना ही चुके हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को किस प्रकार, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। बैटरी इस प्रकार कि अगर पॉइंट नहीं लगा सेंटर में तो स्विच ऑफ है, और अगर पॉइंट लगा हुआ है सेंटर में तो स्विच ऑन है, स्विच ऑन का मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। रियोस्टेट इस प्रकार, दोनों है ये रियोस्टेट के, देन हमारा वोल्ट मीटर, ए मीटर, और ये हमारा क्या है, बल्ब। क्लियर हो गया आपको बल्ब, ओके। चलिए आगे बात करते हैं अब हम ओम्स लॉ की। चलिए मैं साफ कर दूं इसको, इसकी बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या है, ओम का नियम है। अब देख लीजिए ओम का नियम किसे कहते हैं, व्हाट इज ओम्स लॉ, समझिए। देखिए हमारे पास ये कंडक्टर है, कंडक्टर बस वाला कंडक्टर नहीं, कंडक्टर वो जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, है ना। इंसुलेटर कंडक्टर, जो गुड कंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें से आई इलेक्ट्रिक करंट पास हो, क्या हो, आई इलेक्ट्रिक करंट पास हो। जब मैं इसके अंदर आई इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना चाहूंगा तो हमने अभी पढ़ा था कि करंट कब पास होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो आई करंट पास नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो वी ए और वी बी बन रहा है, और यदि हम इन दोनों को डिफरेंस करके लिखें तो मैंने वी लिख दिया। क्लियर हो गया। अब ओम ने क्या कहा, यदि किसी दो पॉइंटों के बीच में हाई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, दो पॉइंटों के बीच में हाई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो उन दोनों पॉइंटों का जो पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा वो पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समझे आप। मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसके अंदर आई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, क्या हो रहा है, किसी कंडक्टर में आई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो आई इलेक्ट्रिक करंट कब पास होगा, जब कंडक्टर के बोथ हैंड पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन रहा है, वी बन रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। क्लियर होगी बात। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस यदि दो पॉइंटों का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इलेक्ट्रिक करंट के। मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या टू टर्मिनल्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट विच पास थ्रू द कंडक्टर। क्लियर हो गया। दो पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, पास होगा। और इसे आगे लिखते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनल का सिंबल हमेशा नहीं रहता, तो इसे यदि हम हटाएंगे तो क्या आएगा, V इक्वल आर आई। V यहाँ पे वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, और यहाँ R यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस, क्या है, रेसिस्टेंस। क्लियर हो गया आपको, आर यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, किसी कंडक्टर में हमने आई इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो उसके बोथ हैंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बना वो वी बना, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। और यदि हमने प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया तो हमने आर लगाया, आर एक क्या है, रेसिस्टेंस है। अभी हम आर के बारे में बात करते हैं। यदि मैं ये लिख दूं, हमने अभी पढ़ा वी इक्वल क्या होता है, आर आई, आर इक्वल क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, आर इक्वल क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। तो V की यूनिट यहाँ पे क्या होती है, वोल्ट है, V की यूनिट क्या है यहाँ पे, वोल्ट है, और करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर है, है ना। तो R की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ओम। इसको इस प्रकार भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। V की यूनिट क्या होगी, वोल्ट, I की यूनिट एम्पियर,
और आर की यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। क्लियर हो गया आपको कि किसी भी कंडक्टर में आई इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने पर उसके बोथ एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी बनेगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। तो हमने क्या पढ़ा, वी इक्वल आर आई, आर इक्वल वी अपॉन आई। वी यहाँ पे वोल्ट है, आई एम्पियर, आर क्या हो गया, ओम हो गया। अब इसकी डेफिनेशन बनाइए, अगर आपसे पूछ ले वन ओम की क्या डेफिनेशन होती है तो क्या लिखोगे, किसी कंडक्टर में वन एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने पर उसके बोथ एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो क्या बनता है, वन वोल्ट बनता है। तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वन ओम होगा। मीन्स वन एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने पर पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, वन ओम होगा। समझ आ गया आपको, वन एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने पर पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट बनता है तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वन ओम होगा। क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम ने जो अपना नियम दिया उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि वो सही था या गलत था। चलिए इसके लिए हमने सबसे पहले क्या लिया, एक रेसिस्टेंस लिया। रेसिस्टेंस वो जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, वो हम पैरेलल करते हैं। किस क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को हम किसके यूज करते हैं, पैरेलल यूज करते हैं। यहाँ हमने लगाया ए मीटर, क्या लगा दिया, ए मीटर। देन आगे हमने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी, और इस बैटरी के साथ हमने स्विच लगा दिया। देन अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट का वेरिफिकेशन करना है ना, तो हम इसके लिए एक रियोस्टेट लगाएंगे। रियोस्टेट मतलब जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और यहां से हम इसको लाके यहाँ पे छोड़ देते हैं। क्लियर हो गया आपको, ये हमारा रेजिस्टेंस है, P और Q पॉइंट दे दिए मैंने, इसे R द्वारा रिप्रेजेंट किया, ये प्लस का सिंबल है और ये हमारा माइनस है। ये हमारा A मीटर हो गया, देन ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया। यहाँ पे हमने RH लगा दिया, जिसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था ना, अभी हम क्या करेंगे, RH से रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस को, जिसकी हेल्प से हम करंट को चेंज करेंगे। ये हमने स्विच लगा दिया, अब हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आई पास होगा, हमने पढ़ा था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आई इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। अब देखिए, और इसकी हेल्प से हम इसको चेंज करेंगे, किसको, इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्या होता है कि हमारे पास RH है, RH का क्या काम आता है, इसकी हेल्प से हम सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करते हैं, मतलब हम I की वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करते हैं रियोस्टेट की हेल्प से, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ A मीटर लगाया, A मीटर का क्या काम होता है, ये हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताता है कि कितना करंट पास हो रहा है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 5 एम्पियर, क्लियर हो गया। देन यहाँ हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर क्या करेगा, P और Q मतलब R के दोनों पॉइंटों पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताएगा, V के बारे में बताएगा। अब मैं क्या करता हूँ, लेट कीजिए, मैंने मान लीजिए सर्किट के अंदर पहले मैंने 1 एम्पियर करंट पास करवाया, कितना पास करवाया, 1 एम्पियर, मुझे कहाँ से रीडिंग मिलेगी, ए मीटर से। किसकी हेल्प से करवाया, रियोस्टेट की हेल्प से मैंने सर्किट में अलग इलेक्ट्रिक करंट मतलब चेंज अपनी मर्जी से पास करवाया। तो मान लीजिए यदि मैंने 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, लेट करना है, वैल्यू फिक्स नहीं है, हम मान के कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देन हमने इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर पास करवाया, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बना हम ये मानते हैं कि वो 2 वोल्ट बना, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने अगली रीडिंग ली, मैंने इसको 6 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, तो मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, 12 वोल्ट बनेगा। फिर मैंने 3 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बना वो 6 वोल्ट बना, ठीक है। अब मैंने ये सभी रीडिंग मतलब अलग अलग रियोस्टेट की हेल्प से सर्किट के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चेंज की, कभी कम की तो कभी ज्यादा की, और फिर वो जो पोटेंशियल डिफरेंस बना वो भी कम या ज्यादा बनेगा, क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, इनके बीच में ग्राफ बनाया, देखिए इस प्रकार ग्राफ बना हमारा। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक करंट लिख दिया,
और यहाँ पे मैंने क्या लग दिया, वोल्टेज लिख दी। और ये जो ग्राफ हुआ ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। देखिए मान लीजिए मैंने इतना करंट पास करवाया तो मुझे वोल्टेज कितना मिला, इतना। क्लियर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया तो ये ऊपर गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात। फिर मैंने करंट की वैल्यू को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो वोल्टेज भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फिर मैंने करंट की वैल्यू को और डिक्रीज कर दिया तो वोल्टेज भी डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज कर दिया देन और डिक्रीज कर दिया, क्योंकि रियोस्टेट की हेल्प से मैं सर्किट में आई की वैल्यू को चेंज कर सकता था, मैं वी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता था। मैंने आई की वैल्यू चेंज की, ए मीटर में रीडिंग नोट की, देन वी की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो मैंने फिर एक ग्राफ बनाया जिसके अंदर मुझे क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली। और ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। क्लियर हो गया, ये स्ट्रेट लाइन क्या डिनोट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। यही ओम्स लॉ था, यही इसका वेरिफिकेशन है। देखिए अगर आपके पेपर में आ जाए कि एक्सप्लेन्स ओम्स लॉ वेरिफिकेशन, तो आप इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हमने एक बैटरी ली है, बी है रियोस्टेट हमारा, सॉरी बैटरी ये है हमारी, रियोस्टेट हमारा आर एच है, ये की है, स्विच है, ए मीटर है, वोल्ट मीटर है, रेजिस्टेंस है। अगर आपको ये लिखना नहीं है तो आप लिख देना, हमने ये सभी डिवाइस लिए एंड सेट अकॉर्डिंग टू डायग्राम, सेट अकॉर्डिंग टू डायग्राम, हमने इनको डायग्राम के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, देन वी मेजर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट एंड ऑब्जर्व थ्री और फोर और वी से सिक्स टू सेवन वैल्यूज, देन वी ड्रॉ ए ग्राफ, देन वी ऑब्टेन ए स्ट्रेट लाइन। After obtaining a straight line, we observe potential difference is directly proportional to the electric current. Clear हो गया? Potential difference किसके proportional होता है? Electric current के। चलिए आगे हम बात करते हैं resistance के बारे में। किसके बारे में? Resistance के बारे में। What is resistance? किसे कहते हैं रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस मींस फोर्स विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब वो फोर्स जो चार्ज के फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है। मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में क्या जाए, चार्ज पास हो इस प्रकार, तो इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, किसके अंदर, सर्किट के अंदर, सॉरी कंडक्टर के अंदर, वो इनको क्या करते हैं, मूव करने में फोर्स का अपोज करते हैं, मतलब जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसका ये क्या करते हैं, अपोज का मतलब होता है विरोध करते हैं, क्या करते हैं, विरोध करते हैं, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, द फोर्स विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया, मतलब वो फोर्स जो चार्ज के पास होने का क्या करता है, विरोध करता है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं रेसिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया ना, फोर्स विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जो चार्ज के फ्लो होने का अपोज करता है उसे हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। देखिए सबसे पहले जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मींस यदि लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी लेंथ, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और यदि लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखिए कैसे, मान लीजिए इसको याद रखने का सिंपल तरीका बताता हूं, ये एक सड़क है, ठीक है, अब इस सड़क में स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, आप यहां से जाना चाह रहे हो, तो जितनी लंबी सड़क होगी उतने ज्यादा स्पीड ब्रेकर होंगे, होंगे ना,
तो आपको आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, तो ये अपोज हो गया ना, आपके फ्लो का अपोज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, है ना। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। यदि हम लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे तो स्पीड ब्रेकर भी इंक्रीज होते जाएंगे, तो हमारी स्पीड भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर हो गया। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन्स जैसे जैसे रोड की लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, एल और आर के बीच में हमने एक ग्राफ बनाया। ये है लेंथ हमारी, जिसमें हमें क्या हुई, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई। इसका मतलब यदि हमने लेंथ कम कर दी तो रेजिस्टेंस भी कम है, लेंथ हमने इंक्रीज कर दी देन रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। लेंथ इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं एरिया के बारे में। किसके बारे में, एरिया के बारे में। देखिए आर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के। देखिए इसको एक सिंपल सा तरीका है, जैसे मान लीजिए तार की चौड़ाई या सड़क इतनी है और एक सड़क इतनी है। आप देख लीजिए कहां से निकलने में आपको ज्यादा आसानी होगी, इस रोड पे। क्यों, क्योंकि इसकी चौड़ाई क्या है, खूब है, और इसमें यदि लोगों की संख्या भी ज्यादा होगी तो सड़क की चौड़ाई होने के कारण भीड़ क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे सड़क की चौड़ाई क्या है, कम है, तो लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाएगी ना, तो मतलब यदि एरिया कम है तो आर क्या होगा, हाई होगा, और यदि एरिया ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आर क्या होगा, लो होगा। समझ आ गया बात। रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। एरिया इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, एरिया डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इसमें भी यदि आप ग्राफ बनाओ तो इस प्रकार बनाओगे, यहाँ पे आपने आर लिखा, यहाँ पे आप वन अपॉन ए लिखोगे, ठीक है, देन फिर आपने इसको अपॉन में करके वैल्यू निकालोगे तो भी हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमने इसे पॉइंटों में चेंज कर दिया, वन अपॉन करके वैल्यू निकाल रहे हैं, इस वजह से। क्लियर हो गया आपको। एरिया लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस, सॉरी एरिया नहीं, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया यदि इंक्रीज होता है तो आर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अभी हमने पढ़ा, देखिए इस प्रकार, ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखिए मैं इक्वेशन वन होगी, ये इक्वेशन क्या होगी, टू होगी। क्या इसकी हेल्प से मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर L अपॉन में A, मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, L के हो गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, A के हो गया। अब देखिए प्रोपोर्शनल का यदि हम सिंबल हटाएंगे, R इक्वल K L अपॉन A। देखिए कुछ बुक्स में आपको K मिलेगा, इसे स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, या कुछ में आपको ये रो लिखा हुआ मिलेगा, दोनों ही आप लगा सकते हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप K लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रो लगा दोगे तो भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए K बराबर क्या हो गया, आर ए अपॉन में एल। क्लियर हो गया आपको, K बराबर क्या हो गया, आर ए अपॉन में एल। चलिए अब मैं आगे लिख रहा हूं, कुछ डेफिनेशन आपको बतानी है। देखिए K बराबर आर ए अपॉन में एल, यदि A बराबर एक मीटर स्क्वायर हो, क्योंकि एरिया है इसलिए L इंटू बी, मीटर स्क्वायर उसकी यूनिट है, लेंथ बराबर वन मीटर हो तो K बराबर क्या हो जाएगा, आर के हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। क्लियर हो गया आपको, और इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, यदि मान लीजिए द रेजिस्टेंस ऑफ
1 meter length conductor and area of conductor is 1 meter square, then the resistance of conductor is known as specific resistance. मतलब कोई ऐसा conductor which length is 1 meter and area is 1 meter square, then the resistance of the conductor is known as specific resistance. कोई conductor, कोई भी XYZ जिसकी length कितनी हो, 1 meter हो, कितनी हो, 1 meter हो, और उसका area कितना हो, 1 meter square हो, तो उसका जो resistance होगा वो उसका क्या कहलाएगा, specific resistance कहलाता है. ये बात आपने याद रखनी है, इसी पे बेस्ड अभी हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे. क्लियर हो गया? मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहलाता है. अब आप इसकी यूनिट भी देख लीजिए. देखिए के बराबर आर अपॉन में एल है ना, तो आर की यूनिट क्या होती है, ओम. एरिया की यूनिट मैंने क्या बताई, मीटर स्क्वायर. देन लेंथ की यूनिट क्या बताई, मीटर. मीटर से मीटर कट गया, तो के की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर. क्लियर हो गया आपको? दोबारा बता देता हूं, हमने क्या किया, रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के है. देन मैंने आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन में ए कर दिया, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया तो मैंने के लगा दिया. मैंने आपको बताया था आप के भी लगा सकते हो, रो भी लगा सकते हो, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही बोलते हैं दोनों को. हमने के लगा दिया, देन के बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आर ए अपॉन में एल. ठीक है, देन एल बराबर 1 मीटर रखा, आर ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर रखा, देन आर बराबर क्या हो गया, के के. इट मींस ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो, एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, देन उसका रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहलाता है. यूनिट देख लीजिए, आर की यूनिट क्या होती है, ओम. एरिया की यूनिट 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर. मीटर से मैंने मीटर कट किया तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम इनटू मीटर. चलिए अब हम दो चार न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हमें कुछ बातें क्लियर हो जाएं और अच्छे से क्या हो जाए, समझ आ जाए. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. एक वर्ड आता है, उससे पहले हम समझ लें कि जो रेजिस्टेंस होता है और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. मींस अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई है तो इलेक्ट्रिक करंट लो होगा, अगर रेजिस्टेंस लो है तो इलेक्ट्रिक करंट हाई होगा. जैसे मान लीजिए सड़क है, सड़क पे भीड़ ज्यादा है, मतलब आर ज्यादा है तो आई की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. लेकिन यदि आर कम हो जाएगा तो आई की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. इट मींस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट के. या आप ये भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, बिकॉज ये दूसरे के इनवर्स होते हैं. कोई सिंबल नहीं है, बस याद रखने का तरीका है, एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं. यदि आर हाई है तो आई लो होगा, आर लो है तो आई क्या होगा, हाई होगा. ये इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर. आर यदि लो है तो आई अधिक है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी. ठीक है ना, कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप आर भी लिख सकते हो. कंडक्टर मतलब आर कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा है, आर अधिक है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी. दोनों एक दूसरे के उल्टा है. मीन्स किसी भी कंडक्टर की यदि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आई कम पास होगा, रेजिस्टेंस कम है तो आई अधिक पास होगा. एक वर्ड आता है सुपर कंडक्टर. क्या होता है, सुपर कंडक्टर. देखिए सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं सुपर कंडक्टर. क्या होता है कि मान लीजिए जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इंक्रीज होता है. रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है. ये बात आपने याद करनी है. मींस
टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। मान लीजिए आपने मरकरी, किसकी बात कर रहा हूं, मरकरी की, मरकरी का टेम्परेचर अपने क्या करते गए, डाउन करते गए, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा जब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब हो जाएगा, 4.2 केल्विन पर। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर के नाम से जानते हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कुछ कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उस समय उसे हम किसके नाम से जानते हैं, सुपर कंडक्टर के नाम से जानते हैं। मरकरी का एक एग्जांपल है कि 4.2 केल्विन पर मरकरी का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए 4.2 केल्विन पर मरकरी किसका काम करता है, सुपर कंडक्टर का काम करता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं ओम्स के डिपेंड पे, ओम लॉ पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, उसका हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस। देन उसने हमें वी दे रखा है 2 वोल्ट, ठीक है, और आई दे रखा है कितना, 0.5 एम्पियर। कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर। देन वी बराबर क्या होता है, आर आई। देन R इक्वल क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो V की वैल्यू कितनी है, 2। I की वैल्यू कितनी है, 0.5। पॉइंट हटाया तो ये क्या आ गया, 10 आ गया, 20। तो कितना आ गया, 4 ओम आ गया। क्लियर हो गया आपको, उसने हमें V दे रखा था 2 वोल्ट, I दे रखा था 0.5 एम्पियर। देन उसने हमसे क्या पूछा था, R फाइंड आउट करना था, और हमने क्या किया, R फाइंड आउट कर दिया। क्लियर हो गया आपको, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए आगे एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप्स के न्यूमेरिकल हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक हीटर है, क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक हीटर में पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, इसे 60 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, ठीक है। देन इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है वो आई बनता है। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट कितना बनता है, आई बनता है, और वो कितना बनता है, 4 एम्पियर बनता है। कितना बनता है, 4 एम्पियर। मतलब इलेक्ट्रिक हीटर को 60 वोल्ट देने पर इलेक्ट्रिक करंट कितना बनता है, 4 एम्पियर बनता है। अब वो कहता है यदि इसी इलेक्ट्रिक हीटर को हम वी बराबर 120 वोल्ट कर दें तो इलेक्ट्रिक करंट कितना बनेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। कुछ बच्चे तो इसे तुक्का मारेंगे ना, यहाँ 60 है या 120 या 4 एम्पियर हो गया या 8 एम्पियर हो गया, लेकिन इस प्रकार के न्यूमेरिकल को यदि हम समझ लें तो हमें वहां पे गैस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए हमने क्या पढ़ा था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। मान लीजिए अगर आपने I चेंज कर दिया देन V ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या नहीं चेंज होगा, R चेंज नहीं होगा। तो मान लीजिए हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा ना, तो हम उसी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हम यहाँ से R फाइंड आउट करेंगे, R इक्वल क्या हो गया, वी अपॉन आई। देन V की वैल्यू कितनी है, 60, I की वैल्यू कितनी है, 4, है ना। देन कितना आ गया, 15 ओम आ गया, है ना, ये हमारा आंसर आ गया R। अब इसी R ओम के रिजल्ट, तो R कितना आ गया, 15 ओम आ गया, है ना। इसी के अंदर हमने क्या किया है, 120 वोल्ट थी, है ना, तो I फाइंड आउट करना, I इक्वल क्या आता है, V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है, 120, R की वैल्यू 15 8 जा, है ना। देन आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर आ गई, सॉरी 8 एम्पियर आ गई। क्लियर हो गया आपको, समझ आ गया। मींस इलेक्ट्रिक हीटर वही था जिसे हम 60 वोल्ट दे रहे थे, करंट 4 एम्पियर था, हमने 120 वोल्ट दिया, हमें करंट फाइंड आउट करना था। मींस हम करंट को तो चेंज कर सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर के रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की, उसे इस फॉर्मूले में रखा और फिर उसका आंसर निकाल लिया। क्लियर, चलिए अब हम आगे बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल और है। मींस इस प्रकार के 3-4 न्यूमेरिकल यदि आप कर लोगे तो पेपर में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए हमारी जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है 26 ओम, ठीक है, क्लियर। और इसका जो डायामीटर है वायर का, उसने क्या दे रखा है, डायामीटर 0.3
मिलीमीटर, क्लियर। और वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर दे रखी है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 26 ओम, है ना, और डायमीटर कितना दे रखा है 0.3 मिलीमीटर, और लेंथ कितनी दे रखी है हमें 1 मीटर। देखिए अब इसको चेंज करो, मिलीमीटर को यदि सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो देखिए पहले पॉइंट है 3 है, मैंने पॉइंट हटाया तो अपॉन में 10 आ गया। मिलीमीटर को यदि मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा और सेंटीमीटर को फिर किस में कन्वर्ट करूंगा, किलोमीटर में, है ना, वो तो मुझे करना नहीं है, लेकिन मैंने क्या करना है, मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को फिर मीटर में, ठीक है। देखिए जब सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, देन मिलीमीटर में करेंगे तो 1000 से, ठीक है, ये इतने मीटर होगी। मीन्स क्या आ गया, 3 × 10⁻⁴ मीटर। देखिए पहले मीटर, मिलीमीटर को जब मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो मैंने 10 से डिवाइड किया, सेंटीमीटर को जब मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो मैंने 100 से डिवाइड किया, ठीक है। हाँ जी समझ आ गया आपको, मिलीमीटर को जब मैं किस में लेके गया, सेंटीमीटर में, तो मैंने 10 से डिवाइड किया, सेंटीमीटर को यदि मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो मैंने 100 से डिवाइड किया, पॉइंट हटाया तो ये 10 आ गए, ये आ गया कितना, आ गया 3 × 10⁻⁴ मीटर। हमें क्या करना है, रो फाइंड आउट करना है, या आप कह दीजिए रो, या कह दीजिए के फाइंड आउट करना है। देखिए मैंने क्या बताया था, के बराबर क्या बताया था आपको, के बराबर आर ए अपॉन में एल, के बराबर क्या बताया था, आर ए अपॉन में एल। आर की वैल्यू कितनी है 26। देखिए ए, ए मतलब तार कैसी होती है, सर्कल होता है ना तार में, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, वायर इसी प्रकार होती है ना गोल, तो पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। देखिए आर की वैल्यू कितनी है, उसने दी नहीं, उसने हमें डायमीटर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 3 × 10⁻⁴ / 2 × 3 × 10⁻⁴ / 2, मैंने ये काम कर दिया, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, आर की जगह उसने क्या दे रखा था, हमें डी दे रखा था, तो मैंने डी अपॉन में 2 कर दिया। क्लियर हो गया आपको, चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए। एल कितनी है आपकी, 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ से कट कीजिए, कितना आ गया 11, यहाँ से यहाँ कट किया 13, ठीक है, तो क्या हो गया 13 × 11 × 9 × 10⁻⁴ कितनी हो गई 8, है ना, देन यहाँ आ गया 7, क्लियर। चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे आप किसमें कन्वर्ट करोगे, ओम मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर आएगा। क्लियर हो गया आपको, चलिए आगे अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। अगला न्यूमेरिकल क्या है हमारा, चलिए देखिए, हमारा न्यूमेरिकल है, मान लीजिए किसी कंडक्टर की जो लेंथ है वो क्या है, एल है, लेंथ मैंने L1 मान ली, L1 कितनी है L, ठीक है, उसका जो एरिया है A1 वो A है, देन उसका जो कंडक्ट रेजिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है ना, K, K बराबर है रेसिस्टेंस बेटा R, R बराबर है 4 ओम, क्लियर हो गया। मतलब उसकी लेंथ कितनी थी L1, वो है L के बराबर, एरिया A1 कितना मान लिया मैंने A के बराबर, उसका जो रेजिस्टेंस है R, इसे भी R1 मान लीजिए, ये किसके इक्वल है 4 ओम के बराबर है। अब वो क्या कहता है, यदि मैं L को हाफ कर दूं, L को क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मैं डबल कर दूं तो आपको R2 फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, एरिया A है और रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, देन वो कहता है कि फिर मैंने L को हाफ कर दिया,
एरिया उसी कंडक्टर का डबल कर दिया, तो आपको एल फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आर इक्वल क्या होता है, जैसे मैं आर टू की बात करूं, फाइंड आउट करना है ना, तो आर टू इक्वल क्या हो जाएगा, के एल अपॉन में ए। क्लियर हो गया, के एल अपॉन में ए। तो देखिए के की वैल्यू फिक्स है तो हम के का के लिख देते हैं, लेकिन एल कितना कर दिया था, एल कितना किया है, एल अपॉन में टू, और ए कितना कर दिया, टू ए। समझ आ गया आपको, चाहे आप इसे एल वन मान लीजिए चाहे एल मान लीजिए। तो यहां से एल की एल रखा मैंने, ए का ए रखा, आर हमने आर टू फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया आपको। देन अब आगे क्या बात कर रहा है वो, कि L कितना कर दिया मैंने, हाफ कर दिया, तो मैं L को L अपॉन टू कर दिया। एरिया कितना कर दिया, A का 2A कर दिया, वो मैंने कर दिया। देन मैं आगे से ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए K L अपॉन में A इंटू वन अपॉन में 4। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ R1 देखिए, R1 बराबर क्या होगा, रो या K कर लें अपने, देखिए K L1 अपॉन में A1, ठीक है। R1 किसके बराबर हो गया, K L1 अपॉन में A1, ये सेम आ गया ना, K का K L1 L A1 A इक्वल है ना, तो R1 किसके इक्वल था, ये सारा 4 ओम के इक्वल था। तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, 4 ओम रख सकता हूँ, इंटू 1 अपॉन में 4, देन आंसर कितना आ जाएगा, 1 ओम। क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ, देखिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपको नहीं समझ आया। देखिए इसको कैसे होगा, मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, एरिया कितना है, एरिया कितना है, A है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 है, 4 ओम। अब हमने क्या किया, उसी कंडक्टर की जो L थी वो हाफ कर दी, एरिया कितना था वो डबल कर दिया, आपको R फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले इसको, R इक्वल क्या होता है, K L अपॉन में A, मींस 4 K L अपॉन में A, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे R क्या हो जाएगा, उसी का है ना, क्योंकि पहले ये वायर थी, देन हमने इसको चेंज कर दिया, देन K L अपॉन में ए है, देन हमने एल कितना कर दिया, एल अपॉन में टू कर दिया, तो एल अपॉन में मैंने टू कर दिया। आर कितना, एरिया कितना कर दिया, टू ए कर दिया, देन के एल अपॉन में ए इंटू वन अपॉन में फोर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ये देखिए फोर के इक्वल है, देन फोर इंटू वन अपॉन में फोर, आंसर कितना आ गया, वन ओम आ गया। क्लियर होगी बात, मतलब यदि हम किसी कंडक्टर का लेंथ हाफ करते हैं, एरिया डबल करते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस पे कितना इफेक्ट पड़ता है, 1/4 हो जाता है। क्लियर हो गया आपको, चलिए बाकी अपने बात अगले टॉपिक में करेंगे। ओके, थैंक यू।